रायसेन के सिलवानी में हमालों और व्यापारियों के बीच तुलवाई की राशि को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हमालों ने कृषि मंडी में तुलाई का काम बंद कर दिया। इधर तुलवाई नहीं होने से नाराज किसानों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने अनाज से भरी ट्राली को बीच सड़क पर आड़ी खड़ी कर दी, जिससे दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार संजय नागवंशी ने किसानों को समझाया, जिसके बाद किसानों की मांग पूरी होने के बाद किसानों ने जाम खुलवाया और फिर इसके साथ ही तहसीलदार ने हमालों से भी चर्चा कर उन्हें तुलवाई के लिए मनाया। जब ये सूचना मिली तो मंडी आने पर ये जानकारी मिली कि सुबह नीलामी शुरू होने से पहले व्यापारियों में और हमालों की मजदूरी की राशि को देने के कोई आम सहमति नहीं बन पा रही थी, उससे थोड़ा तो नीलामी की कार्यवाही विलंबित हुई। उसी बीच किसानों की एक समस्या ये भी आई कि उनको कैश पेमेंट पूरा 50,000 रुपये सेम डे नहीं दिया जा रहा है और 7 दिन में पेमेंट नहीं की जा रही बाकी, और जो बोरे का वजन है वो उस बोरे के वजन से ज़्यादा धान तौली जा रही है। फिर इस संबंध में मंडी सेक्रेटरी से और व्यापारी बंधुओं से चर्चा करने पर यह निराकरण निकला कि व्यापारी सभी 50,000 तक की जो उपज है वो उसका पेमेंट नकद करेंगे सेम डे, और 50,000 से अधिक का जिस